उल्लासनगर मध्यवर्तीय पुलिस थाने की हद में स्थित शांति नगर परिसर में नाकाबंदी के दौरान एक पिक अप वाहन से 22 लोग उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जा रहे हैं, लोगों पर कार्रवाई की। बता दें कि सोमवार को यहां के कैंप क्रमांक 3 के शांति नगर परिसर में मध्यवर्ती पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी, तभी पुलिस उप निरीक्षक सेल्के ने एक पिक अप वाहन की जांच की तो उस वाहन में 22 मजदूर जिन्होंने ना ही मास्क लगाया था ना ही कोई सोशल डिस्टेंस था, तो पुलिस ने कार्रवाई की और 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अलग धर्मशाला में रख दिया जहां उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करा दी गई है। वहीं उन्होंने पूछताछ के दौरान दरमियान पता चला कि देश में फैले कोरोना वायरस के डर से हिरासत में लिए 22 लोग उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के रहवासी हैं। काम धंधा बंद होने की वजह से ये लोग बचा बचा कर चोरी छुपे किसी तरह अपने गांव जाना चाहते थे। मध्यवर्ती पुलिस अंतर्गत ठिकठिकाणी चेकिंग पॉइंट लागलेले शांतीनगर या ठिकाणी PSI शेळके आणि त्यांचा स्टाफ चेकिंग करत असताना त्यांना एक टेम्पो ज्यामध्ये काही इसम मारून आले, तर त्यांनी विचारपूस केल्यानंतर हे कोसंबी उत्तर प्रदेशचे लोक होते आणि ड्रायव्हरला आधीच विचारपूस केली असते, त्यांनी त्या ठिकाणी पोचण्यासाठी भाडं घेतलं होतं आणि त्याच्यामुळं आम्ही त्यांना ताब्यात घेतलं आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केलेली आहे। सर, त्यांना आता कुठे ठेवण्यात आलं? त्यांना महानगरपालिकेने जी व्यवस्था केली आहे 26 शाळा शेरी बेघर निवारा या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहे, त्यांचं मेडिकल सुद्धा केलेली आहे आणि ती सध्या त्या ठिकाणी आहे।